So today we will be doing loops in JavaScript. ठीक है, so loops basically क्या होती हैं? आपकी iterative statements, ठीक है, या आप इसे repetitive statements कह सकते हो. So iteration या repetition is the technical word for that. And in simple words, अगर हम इसको बोलते हैं तो हम इसे कहते हैं loop. ठीक है, so loop का मतलब है जब हम एक ही चीज को बार बार execute कराएं. आपकी सेम चीज बार बार एग्जीक्यूट होती जा रही है तो उसे हम लूप कहते हैं. सो लूपिंग का मतलब है गोल गोल घूमना. ठीक है, सो जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक हम सेम स्टेटमेंट्स दोबारा 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 एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, एंड दैट इज आइटरेशन और रेपिटेशन. जावास्क्रिप्ट में वही लूप्स हैं जो आपके पास सी लैंग्वेज में होते हैं. तो हमारे पास तीन लूप्स यहाँ पर होंगे. पहली चीज, आपके जो लूप्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे यहाँ पर, एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. तो एंट्री कंट्रोल के अंदर हमारे पास दो लूप है, विच इज योर फॉर एंड व्हाइल, और एग्जिट कंट्रोल में हमारे पास एक ही लूप है जो है डू व्हाइल. ठीक है, अब एंट्री और एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एंट्री कंट्रोल मतलब आपका जो लूप है उसकी स्टेटमेंट रिपीट होंगी या नहीं, वो डिपेंड करेगा लूप की कंडीशन पर. अगर स्टेटमेंट जो दी है कंडीशन वो ट्रू है तभी वो लूप के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा. अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. सो दैट इज एंट्री कंट्रोल. ठीक है, वो फॉर लूप हो गया आपका. व्हाइल में भी पहले कंडीशन चेक होती है, ट्रू है तभी अंदर जाता है, अदरवाइज नहीं जाता. डू व्हाइल इज द लूप जो आपका एक बार तो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा. डू व्हाइल विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स फॉर वंस फॉर श्योर. सो इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स फॉर वंस फॉर श्योर. उसके बाद कंडीशन चेक होती है, ट्रू है तो रिपीट करेगा. ठीक है, और अगर नहीं है तो रिपीट नहीं करेगा. गॉट इट? दैट्स द पर्पस ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप. तो अभी हम पहले आज सिर्फ फॉर लूप देखेंगे कैसे काम करता है. सो फॉर लूप का सिंटेक्स जो है वो आपका जितनी भी ये सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सब में सेम है. हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है. वी राइट फॉर, सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन की, जो वेरिएबल है जिसके थ्रू आप काउंट कराओगे कि कितनी बार आपको रिपीट करना है, दैट हैज टू बी इनिशियलाइज्ड. ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज जो आ जाती है वो है कंडीशन, और तीसरी चीज जो होती है वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. इसके पीछे सेमीकॉलन नहीं आता, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो जो हमें रिपीट करवानी है. सो दीज आर द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन. अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि ये तीनों आपने सेम लाइन में लिखे हैं, बट सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, देयर इज अ सेमीकोलन आफ्टर दैट, फिर वो कंडीशन चेक करने आता है, उसके पीछे भी सेमीकोलन है लेकिन पीछे सेमीकोलन नहीं है. कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन का रिजल्ट आएगा, अगर ट्रू तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी थर्ड नंबर पे. ठीक है, और फिर थर्ड से वो वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले सेक्शन पे जाता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर यहाँ आता है, फिर से कंडीशन चेक करता है. जब तक ट्रू है तब तक वो इसको स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, और ये चीज रिपीट होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी. जब फॉल्स होगा इट विल स्टॉप. सो जैसे ही ये रिजल्ट हमारे पास फॉल्स होगा ये रुक जाएगा. दैट्स हाउ योर फॉर लूप्स वर्क. सो इट्स फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंड देन यू हैव द स्टेटमेंट्स आउट हियर. ठीक है, सो ये हो गया आपका कि किस तरीके से हम इसका सिंटेक्स जो है वो लिखते हैं. अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. मान लो आपने ऊपर डिक्लेयर किया है वैर ए. अब आपने लिखा ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस. आप अगर नंबर्स ही प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए. अगर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए लिख दूंगी तो क्या होगा? ए 1 है, पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10. 11 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इट विल स्टॉप. सो इट विल वर्क फ्रॉम 1 टू 10. सो इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 पे जाके आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, रुक गया. ठीक है, अब इसमें हम कोई सा भी काम कर सकते हैं. मैं आपको भी एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करके दिखाऊंगी जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हम 6 के 6 लेवल्स की हेडिंग्स प्रिंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लूप. ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज लिख के दिखाती हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा HTML head title. टाइटल में लिख दिया यूजिंग लूप्स एंड देन आई क्लोज द टाइटल टैग.
सो HTML हेड टाइटल यूजिंग लूप्स, टाइटल टैग बंद हो गया, हेड टैग बंद हो गया, बॉडी स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपको जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, सो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आपने वैर डिक्लेयर कर दिया और फिर आपने लूप लगा दिया, फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर आप यहाँ पर इसको प्रिंट कराना चाहते हो, एंड हमने किया है कि प्रिंटिंग के लिए क्या यूज होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए को प्रिंट भी करा रहे हो तो आप एक चीज देखोगे कि ये सब जो है सेम लाइन पे लिखा हुआ आ जाएगा, एंड इट विल बी इन अ वेरी स्मॉल फॉन्ट साइज, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज कहीं पे भी नहीं दिया है। एंड डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो कितना होता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज? जब आप एक HTML में कोड लिखते हो तो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? loop.html 3 दृष्टि, 7 तो मैक्सिमम होता है, हाँ, सो 3 इज योर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, ठीक है। सो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इसको पहले तो ओपन करके देखते हैं। सो यहाँ पर लूप नाम से मैंने इसको सेव किया है, सो आई ओपन इट एंड इट कम्स लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ देख रहे हो एक ही लाइन पे आ गया और फॉन्ट साइज 3 में आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 3 है, ठीक है। आप चाहते हो फॉन्ट का साइज चेंज करना तो आप इस स्क्रिप्ट से बाहर भी कर सकते थे, स्क्रिप्ट के अंदर अगर टैग दोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखना पड़ेगा, तो आप जो भी टैग लिखोगे स्क्रिप्ट के अंदर वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही आएंगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप चाहते हो कि आपको नेक्स्ट लाइन पे दिखाना है तो आपको यहाँ पर कंकैटिनेट करना पड़ेगा br, सो प्लस की हेल्प से हम कंकैटिनेट करेंगे, हम उसको कहेंगे कि भाई आप हर बार न्यू लाइन पे जाइए। सो अब आपके पास 7 साइज में वैल्यूज आ रही हैं एंड दे आर कमिंग इन लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो इस तरीके से मेरे पास ये नंबर्स आ गए। सो ये तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है आपका, जिसके अंदर हमने क्या किया है, हमने सिंपली 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सो हम यूजर से एक नंबर ले लेते हैं और जो नंबर हम यूजर से लेंगे, फाइन, व्हाटएवर नंबर विल टेक फ्रॉम द यूजर, उस नंबर का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर यूजर ने टेक लिया है लेट्स से 11, तो आपको 11 का टेबल प्रिंट कराना है, 11 22 33, लाइक दैट। सो जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसका करते हैं। तो मैंने एक एन भी डिक्लेयर कर दिया और फिर यहाँ पे लिया ईवैल, ईवैल के अंदर लिखा प्रॉम्प्ट और उसको बोला एंटर अ नंबर, और यहां पर आपका लूप तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इसमें वैसे मैं ब्रैकेट्स नहीं भी दूंगी तो भी सही आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा होती है, वो वैसे भी पहले मल्टीप्लाई करता और उसके बाद ऐड करता, ठीक है। बट फिर भी मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, रीडेबल क्लैरिटी, कि जो बंदा रीड करे प्रोग्राम को उसको क्लियर हो कि क्या हो रहा है। सो इफ आई एंटर 8, इट इज प्रिंटिंग टेबल ऑफ 8 ओवर हियर। ऐसे मैं अगर रिफ्रेश करूंगी और मैं नंबर एंटर करती हूँ 21, तो ये 21 का टेबल प्रिंट करेगा। तो जो भी नंबर आप इनपुट करोगे इट विल बी प्रिंटिंग टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम्स आपने सी में पढ़े हुए हैं लूप्स के, वो सब प्रोग्राम्स, चाहे वो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर चेक करना हो, चाहे वो आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब जो आपने लूप्स के साथ सी में किया हुआ है वो आपसे जावास्क्रिप्ट में पूछा भी जा सकता है और बनाने का तरीका सेम है। सिर्फ जो चीज चेंज होगी वो होगी आपका इनपुट और शो करने का तरीका, ठीक है। लूप का लॉजिक नहीं बदलेगा, आपका प्रिंट एफ की जगह पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाएगा, उसको लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, पर जो लूप का लॉजिक है वो सेम रहेगा जो पहले था, देयर इज नो चेंज, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज इन द लॉजिक ऑफ लूप, दैट विल रिमेन सेम, ठीक है जी। ये हो गया एक आपका। अब मैं यहां पर आपको दिखाती हूँ एक बड़ा अच्छा सा काम,
हम क्या करते हैं यहाँ पे नेम में एंटर अ नंबर की जगह मैंने एंटर नेम करा लिया, ईवेल हटा दिया क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट नहीं है, और मैंने इसको कर दिया 6। ठीक है, हमारे पास हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स होती है ना, हेडिंग्स 6 तरह की होती है। तो अब वो 6 तरह जो है वो मैं यहाँ कंकैटिनेट कराना चाहती हूँ। फिर नाम आ जाए, नाम के पीछे आपका एच टैग बंद हो, लेकिन बंद उसी नंबर से होगा। देखो इसमें बहुत ज्यादा झोलमाल है, झोलमाल मतलब बहुत ज्यादा प्लस 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 है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज देखो कि जो चीज डबल कोट्स में लिखी हुई है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, अभी मैंने इसको रन किया, उसने मुझसे पूछा एंटर नेम, मैंने एंटर किया अंजलि, तो पहले अंजलि H1 साइज में शो हुआ, फिर H2 साइज में, फिर H3, H4, H5, H6। तो ये जो अंजलि वो शो कर रहा है, इट इज प्रिंटिंग 6 टाइम्स इन 6 डिफरेंट साइजेस। ठीक है, ऐसा क्यों पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर कंकैटिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, वी आर कंकैटिनेटिंग ओवर हियर। ये मैंने अभी समझाया नहीं विशेष, रुको समझा रही हूँ। ठीक है, समझाऊंगी तो समझ आएगा। अब इसमें ये कंकैटिनेशन जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे कि कैसे हो रही है। अब यहाँ पर आपने नाम पूछा, ये तो ठीक है, समझ आने वाली चीज है, प्रॉम्प्ट है, ऊपर मैसेज आया, नाम पूछ लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारी जो हेडिंग्स है वो 6 है, तो मैंने लूप चलाया जो कि 1 से लेके 6 तक चल रहा है। सो ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 6, ए प्लस प्लस, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका लूप में ए जो है वो पहली बार 1 होगा, अगली बार 2 होगा, उससे अगली बार 3 होगा, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 होगा। ऐसे ही होगा ना, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पर ये कंकैटिनेट कैसे कर रहा है। तो ये कंकैटिनेट करने के लिए आपको एक एक स्टेप लिख के देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, जब तक आपको कंकैटिनेशन अच्छे से समझ में नहीं आ जाता। जब एक बार समझ आ गया, जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ कंकैटिनेशन कैसे होती है, फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, बट अभी के लिए अगर आपको इसमें देखना है तो आप क्या देख रहे हो कि आपके पास जो लूप है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक तो जो हेडिंग का नंबर है वो वेरिएबल हो गया, दूसरा जो कंटेंट आपको उसके अंदर दिखाना है वो दिखाना है नाम, है ना, तो वो नाम भी जो है मेरा वो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये कोड आपका कुछ इस तरह से हो गया यहाँ पर कि फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 6, ए प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर आपने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोट्स के अंदर एच, फिर कोट्स बंद, कंकैटिनेटेड बाय द वैल्यू ऑफ ए, कंकैटिनेटेड बाय दिस, कंकैटिनेटेड बाय द वैल्यू ऑफ एन, कंकैटिनेटेड बाय एच, कंकैटिनेटेड बाय द वैल्यू ऑफ ए एंड कंकैटिनेटेड बाय द ग्रेटर देन साइन एंड वी हैव अ सेमीकोलन। अब आप देखो ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ए क्या है, 1 यहाँ पे आया पहली बार, जो चीज डबल कोट में होती है वो एज इट इज रहती है, सो लेस देन एच, ये एज इट इज आ गया, जॉइन होगा, प्लस का मतलब क्या है, कंकैटिनेट करना, जॉइन करना, सो लेस देन एच आ गया, प्लस ए, ए की वैल्यू कितनी थी 1, फिर प्लस आ गया ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, फिर प्लस आ गया एन की वैल्यू, फिर प्लस आ गया उसके अंदर क्या लिखा है ये, तो ये कंकैटिनेट हो गया, फिर प्लस आ गया ए की वैल्यू जो कि है 1, फिर प्लस ग्रेटर देन की वैल्यू, यही तो प्रिंट कर रहा है वो, यही बन गया ना एचटीएमएल में H1 अंजलि एंड देन H1 क्लोज। तो इससे उसने अंजलि प्रिंट किया हेडिंग 1 साइज में। फिर आपका A2 हो गया, दोबारा से लूप चला, दोबारा लूप चला, फिर से वही लेस देन एच आया, यहां से ए की वैल्यू कंकैटिनेट हुई जो कि 2 है, फिर ग्रेटर देन कंकैटिनेट हो गया, फिर एन की वैल्यू कंकैटिनेट हुई अंजलि, फिर लेस देन, फिर एच, फिर 2 एंड लाइक दिस, देन यू हैव एच 3 एंड सो ऑन। सो ऐसे करते करते ये 6 बार तक चलेगा और हर बार अलग हेडिंग नंबर को कंकैटिनेट करता जाएगा। सो जब वो हर बार एक अलग हेडिंग नंबर को कंकैटिनेट कर रहा है, तो जब आप उसको रन करते हो आपको अलग अलग साइज में हेडिंग्स नजर आती हैं। अभी समझ में आया, इज इट क्लियर नाउ? So if I
right, web technology. So it is showing me web technology in size 1, size 2, size 3, size 4, size 5, size 6. और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 6 साइज ही आएंगे. आपको अगर सिर्फ 3 साइज चाहिए तो ठीक है, आप लूप को 3 बार चलाओ, है ना. Why to do it for 6 times? आपके हाथ में, आप प्रोग्रामर हो, आप जब तक चलाना चाहते हो आप उसको 3 बार चला रहे हो तो 3 बार दिखाएगा. मैंने 1, 2, 3 के लिए चलाया तो वो साइज 1, 2, 3 दिखा रहा है. अब जरूरी तो नहीं है कि लूप हमेशा 1 से ही शुरू हो. आप उसको 3 से शुरू करके 6 तक भी ले जा सकते थे. आप यहाँ पर आए को 3 से शुरू करते, लेस इन इक्वल टू 6 ले लेते तो क्या होता, पहले 3 साइज वाली हेडिंग आएगी, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली, फिर 6 वाली. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? हाउ इज इट वर्किंग? समझ में आया? तो ऐसे अपना लूप वाला कोई भी प्रोग्राम हो वो आप बना सकते हो. तो ये तो आज हमने सिर्फ फॉर लूप किया है. व्हाइल एंड डू व्हाइल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है. तो फॉर लूप के आप जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर एंड प्रिंटिंग फिबोनाची सीरीज, तो ये दो आप होमवर्क ले लो कि आपको एक नंबर इनपुट कराना है और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करना है, और दूसरा आप होमवर्क में ले सकते हो टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज. फिबोनाची सीरीज भी हम उसे कह सकते हैं. सो वी प्रिंट फिबोनाची सीरीज और फिबोनाची सीरीज, ठीक है. अभी जिसको